हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं पीला मटर, काबली चना और आलू के छोले बना रही हूँ। ये खाने में काफ़ी यम्मी है। इसे नमक हल्दी देके हमने सीटी लगा लिया 3-4 और ये अच्छे से उबल गए हैं। अब हम मसाले लेंगे जिसमें हरी मिर्ची, जीरा, लहसुन और टमाटर, अदरक का टुकड़ा, 2 टमाटर है और धनिया पत्ती। अब हम मिक्सर जार में टमाटर, हरी मिर्ची, जीरा, लहसुन और अदरक को डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए देंगे। इसमें जीरा और सूखी लाल मिर्ची का तड़का देंगे। अब ये मसाला, अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। जब ये अच्छे से कड़क जाए फिर हम इसमें पीसे हुए टमाटर लहसुन को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालें, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा नमक क्योंकि हमने उसे नमक में उबाला है। अब हम इसमें लाल मिर्ची देंगे, ये तीखी वाली मिर्च है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले और जब इसमें से तेल अच्छे से आने लग जाए फिर हम इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें उबले हुए चने को डालें और डाल के इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे अच्छे से भूंज ले जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। अब हम जिस पानी में उबाले थे चने को वो डाल देंगे अच्छे से मटर में और इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसे ढक के पकने के लिए दें। अब हम अमचूर लेंगे, लास्ट में जब ये अच्छे से उबाल आ जाए इसमें, ये चना हमारा रेडी है। अब इसमें हम थोड़ी सी खटाई डालेंगे और धनिया की पत्ती देंगे। ये खाने में काफ़ी यमी है, एक बार ज़रूर बना के इसे ट्राई करें और इसी तरीके से बनाएं, ये काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। अब इसमें हम धनिया पत्ती और थोड़ी सी पनीर डाल के सर्व करेंगे। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक बार बना के ज़रूर इसे ट्राई करें। आप पूड़ी के साथ, इसे बहुत यम्मी लगता है खाने में।